दिन की शुरुआत करेंगे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। हंगामे के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। अब इसे लेकर विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालांकि खबर यह भी है कि निलंबित सांसदों के माफी मांगने के मामले को रफा दफा करने की गुंजाइश बाकी है। शीतकालीन सत्र के दौरान कई बिल पेश होने वाले हैं, ऐसे में सवाल यह है कि शीतकालीन सत्र धुल जाएगा या फिर सरकार काम काज करने में सफल रहेगी। पहले दिन विपक्ष का रुख देखकर ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष सदन में हंगामा छोड़ आने वाले बिल पर चर्चा जरूर करेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों पर विपक्षी दलों की बैठक जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसदों पर बैठक जारी है, और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान, कहा माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको बता दें राज्यसभा की 12 निलंबित सांसदों पर विपक्षी दलों की बैठक जारी है। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, एक जी। दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है जी। वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है, जो लोग उसमें नज़दीक भी नहीं थे। इसीलिए अब 10 बजे मीटिंग है, कृपया वो मीटिंग में जाएंगे।